नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मेरा नाम सत्येंद्र है और आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। और हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा उत्तराखंड राज्य ने इसको लेकर जो है वो उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल जो है वो पास कर दिया है। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बनेगा बिकॉज इस टॉपिक से आप लोगों का प्री मेंस और इवन इंटरव्यू में भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे और खासकर जुडिशियल एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी एक एक चीज़ हम लोग बारीकी से डिस्कस करेंगे, साथ में हम लोग जानेंगे क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है, क्या कोई स्टेट यूसीसी को इंडिविजुअल लागू कर सकता है या नहीं कर सकता, या इससे पहले कहीं पर ऐसा है, एक देश एक लॉ एक विधि यानी वन नेशन वन लॉ ऐसा कॉन्सेप्ट है तो ये क्यों है और इसमें कौन लोग प्रभावित होंगे, कौन लोग इससे फायदे में से रहने वाले हैं। तो चलिए एक पीडीएफ के माध्यम से एक ड्राफ्ट मैंने एक पीडीएफ बनाई है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो आप लोग आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग तक पहुंचती रहें और आप लोग लीगल करंट अफेयर या लीगल अपडेट से बचे ना। तो चलिए इसके साथ साथ यदि आप लोग चाहें तो टारगेट फॉर आईक्यू का टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले की पॉइंट्स, बिकॉज ये चर्चाओं में रहा उत्तराखंड राज्य की वजह से और उत्तराखंड ने अभी जो है इसकी जो है उत्तराखंड विधानसभा ने इसको पास कर दिया है और इसके ड्राफ्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको जो है अप्रूवल कर दिया है किसने, लेजिस्लेटिव असेंबली ने। कब, एक तो डेट आप लोगों को याद रखनी है 6 फरवरी 2024 को, ये डेट आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उत्तराखंड सरकार यानी उत्तराखंड कैबिनेट ने इसमें क्या है, अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जो एक कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे, फॉर्मर जज हम लोग कह सकते हैं, उनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई, इनकी देखरेख में एक यूसीसी कमेटी बनी थी और इस कमेटी का ड्राफ्टिंग तैयार करने की जिम्मेदारी जो है इनको दी गई थी उत्तराखंड राज्य में। अब ऐसा स्कोप हम लोग देखेंगे कि यूसीसी का स्कोप है क्या, क्या काम है इसका और ये क्यों चर्चाओं में है। देखिएगा यूसीसी का जो पर्पज है, यूसीसी का जो पर्पज है वो क्या करना है, यूनिफाइड सेट ऑफ लॉ एप्लीकेबल टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ द उत्तराखंड, यानी जो उत्तराखंड के कॉन्टेस्ट में तो उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको लेकर जो है ये वहां के लॉ को जो है यूनिफाइड करेगा किस मामले में, इन रेस्पेक्टिव देयर रिलीजन कास्ट और जेंडर को लेकर, खासकर जैसे हिंदू यानी हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसके तहत जो स्पेशल प्रिविलेज या स्पेशल प्रोविजन है, या फिर मुस्लिम्स पर्सनल लॉ से रिलेटेड कुछ आपके प्रिविलेजेस मिली हैं या उनके अलग अलग प्रावधान होते हैं। जैसे मैं बेसिक तौर पे बताऊं आपको, जैसे मान लीजिएगा कि आप कोई आपराधिक जो है एक्ट आपसे हो जाता है किसी से भी, यानी क्राइम जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है तो सबके लिए इक्वल है, परंतु यदि कोई ऐसे चीज़ें जैसे सिविल मामलों के अगर हम लोग बात करें, जैसे तलाक डाइवर्स हो गया, इनहेरेंस हो गया, या फिर आप लोग डाइवर्स की बात हो गई, या फिर की बात करें कि वसीयत हो गई, तो इन मामलों में सभी धर्मों के अलग अलग जो हैं रूल ट्रेडिशनली तरीके से चले आ रहे हैं, तो उनको इक्वल करने के लिए यूसीसी जो है वो एनफोर्समेंट की जा रही है उत्तराखंड में। और इस क्योंकि पिछले 10 सालों से लगभग जब से 2014 से मोदी गवर्नमेंट आई है, बीजेपी सरकार का ये जो है घोषणा पत्र में था, तो तब से ये जो है भारत का सबसे बड़ा हाईलाइटेड और कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो है वो रहा है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हम लोग देखते हैं कि किसी स्टेट को अगर स्टेट में कोई स्पेशल लॉ उसको बनाने हैं तो वो कौन सा पावर देता है। आर्टिकल 162 जो है वो स्टेट को जो है वो पावर अथोराइज करता है और इसमें जो है अगर हम बात करें कि आप अगर देखेंगे तो कोई भी राज्य जो है, अगर हम बात करें शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 7 हम पढ़ते हैं, उस शेड्यूल में 3 तरह की लिस्ट हमें जो है देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट, आपकी स्टेट लिस्ट और आप लोगों की जो है वो कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 5 में के तहत यूसीसी को जो है वो उत्तराखंड राज्य में लाया गया है, इंट्रोड्यूस जो है वो किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये कौन से सब्जेक्ट को कवर करती है एंट्री 5 कंकरेंट लिस्ट की, तो हम जैसे कौन कौन से चीजों को कवर करती है, जैसे शादी से जुड़े, विवाह से जुड़े मामले, डाइवर्स से जुड़े मामले, इन्फेंट्स या एडॉप्शन से जुड़े मामले, विल वसीयत हो गया, या
इंटेस्टी या फिर सक्सेशन उत्तराधिकार से या ज्वाइंट संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली या फिर आपके पार्टीशन से जुड़े जो भी विवाद हैं या फिर उनसे रिलेटेड मामले हैं उनसे जुड़े मामलों को लेकर जो है कवर करती है एंट्री नंबर 5 कंक्रेंट लिस्ट अंडर द आर्टिकल 162 पावर देता है किसको स्टेट को और शेड्यूल नंबर 7 में ये सब चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी जिसमें यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कंक्रेंट लिस्ट है। हालांकि ये मामला कंक्रेंट लिस्ट का भी है जिसमें ऐसे मामले की राज्य और केंद्र दोनों जो हैं किसी भी मामले पर अपने लॉ जो हैं वो बना सकते हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड सबसे पहला राज्य बन गया है ये भी आप लोग याद रखेंगे यूसीसी पर बिल लाने वाला। अगर हम देखें कि आपकी हाईलाइट देखेंगे उत्तराखंड की तो उत्तराखंड राज्य की हम लोग देखेंगे कि उत्तराखंड में जो यूसीसी ड्राफ्ट है उसकी क्या क्या हाईलाइट उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। भाई सीधा सा बात है ऑब्जेक्टिव तो आपको क्लियर है कि वन नेशन वन लॉ के तहत इसको लाया गया और इसमें क्या है कि जो हमारे उत्तराखंड में जो है अगर हम बात करें कि जो डाइवर्स पर्सनल लॉ है या डिफरेंट रिलीजन के जो पर्सनल लॉ है उनको क्या करना है जैसे मैरिज है डाइवर्स अडॉप्शन है या इनहेरिटेंस है इनको क्या करना है अलाइन विद करना है किसके साथ आर्टिकल 44 यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 में जो डीपीएसपी है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये भी जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी तब ये जो ला दिया गया था कि राज्य जो है क्या करेंगे अपने सभी सिटीजन्स को क्या करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो देने का काम करेंगे किसी भी धर्म के आधार पर यानी धर्म के इन रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है ठीक है। तो अंडर द आर्टिकल 44 ध्यान में रखते हुए इसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई सभी लोग चाहे वो कोई भी धर्म का हो किसी भी तरीके का हो विवाह के मामले में डाइवर्स के मामले में इक्वल रहेगा और ये बात कहां से मिलती है हमें आर्टिकल 44 से ठीक है। इसका चेंज करने का कारण क्या है जैसे पर्पज ऑफ चेंजेस क्या है तो कमेटी ने जो पर्पज किया है वो क्या करा है जैसे प्रोहिबिटिंग मतलब रोकेगी कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या था जैसे पोलोगेमी हलाल इद्दत ट्रिपल तलाक चाइल्ड मैरिज इन सब को लेकर जो है अब यूनिफॉर्म सिविल कोड काम करेगा ना कि पर्सनल लॉ काम करेगा। अब जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत जो है अगर हम बात करें कि चाइल्ड मैरिज जो बाल विवाह है वो मैंडेटरी उसके लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा किसके लिए लिव इन रिलेशनशिप के लिए एक मैंडेटरी आपको विद इन 6 मंथ क्या कराना पड़ेगा आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और साथ में इम्फेसाइज जेंडर इक्वलिटी यानी अब पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे ये भी आपको ध्यान रखना है यानी किसी भी पर्सनल लॉ के तहत महिला और पुरुष को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला है। जेंडर इक्वलिटी फैक्टर में आप लोगों को बता चुका हूं महिलाओं को इक्वल ट्रीट किया जाएगा और मुस्लिम वुमेन्स जो है वो प्रॉपर्टी शेयर ये भी आप याद रखेंगे जैसे मुस्लिम महिलाओं को क्या है इस ड्राफ्ट के पर्पज से क्या है उन्हें इक्वल प्रॉपर्टी शेयर का जो है क्या मिलेगा राइट्स जो है उनको मिल जाएगा ये भी याद रखेंगे आप लोगों को ठीक है। पर्सनल लॉ के तहत उन्हें क्या था 25 जो है परसेंट जो है प्रॉपर्टी शेयरिंग होल्डर मिलता था। इसके बाद मैरिज एज जो है अगर हम करें मिनिमम मैरिज एज जो है वो आप याद रखेंगे अनचेंज रखी है 18 फॉर वुमेन एंड 21 ईयर फॉर मेन यानी महिलाओं के लिए 18 कम से कम और पुरुषों के लिए 21 साल कम से कम एज जो वो होगी चाहे वो किसी भी धर्म का हो किसी भी जाति विशेष समुदाय का हो। इसके साथ अब हम करेंगे इसमें एजेप्शन फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स यानी इस ड्राफ्ट में केवल एसटी लोगों को बाहर रखा गया एसटी मतलब जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं उन्हें क्या करें क्योंकि उत्तराखंड में 3% लोगों की जो जनसंख्या है वो एसटी लोगों की तो उससे इस यूसीसी के स्पेशल स्टेटस से बाहर रखा गया ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है उत्तराखंड के परस्पेक्टिव में। अगर हम बात करें ठीक है तो इसके कंसर्न रिगार्डिंग द यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑफ उत्तराखंड तो इसमें मैं बस कीवर्ड्स डिस्कस कर लेता हूं जैसे है पोटेंशियल राइट ऑफ इनफ्रेगमेंट तो इसमें क्या होगा कि इसमें अगर हम देखेंगे तो जो महिलाएं हैं या फिर सभी लोगों को क्या मिलेगा एक जो है रिलीजियस फ्रीडम मिल जाएगी सबके लिए वो इक्वल जो है वो रहेगा और लिबर्टी मिल जाएगी किसकी गारंटी की जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिलता है ठीक है। और लेकिन इसके सामने एक चैलेंज रहेगा यूनिफॉर्मिटी का चैलेंज रहेगा ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि भारत जो है बहुत सारी डाइवर्सिटी से मिलकर बना है तो सबके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि ट्रेडिशन से टकराव होगा और इसलिए काफी कंट्रोवर्शियल है कि मुस्लिम लॉ में कुछ अलग रूल्स हैं शादी के विवाह तलाक के तो वो सारी चीजें कंट्रोवर्शियल इसमें रहने वाली है कस्टम्स को लेकर तो ये भी चीज इसमें चैलेंजेस रहेगी ठीक है। साथ में इसमें शेड्यूल ट्राइब्स खासकर उत्तराखंड में जैसे आपकी देखते हैं कि
जैसे राजी ट्राइब्स है, जोन सारी है, ठीक है, तो ये सारी जो ट्राइब्स हैं इन पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, हालांकि इनको अभी से दूर रखा गया है, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों आप लोगों का यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक कंसाइज और इम्पोर्टेंट लेक्चर। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा टारगेट फॉर आईक्यू, और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो आप लोगों को कैसे लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप कोई जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको कोई कोर्स परचेस करना है या जुडिशरी तैयारी करनी, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप लोग ढेर सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। चलिए मिलता हूं किसी नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह का। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, जय हिंद।